हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बेसअप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। और मोशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि द सम पॉइंट्स आर द डिस्कस इन द क्लास कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द मोशन। तो मोशन में यहाँ पे बात हुआ था स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ था, सर्कुलर मोशन हुआ था, पीरियाडिक मोशन हुआ था और वाइब्रेटरी मोशन हुआ था। ये चार तरह की मोशन की बात हुआ था, उसमें से हमारा पहला टर्म आ गया कि मोशन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि मोशन स्ट्रेट लाइन कि द मोशन ऑफ ए बॉडी में टेक प्लेस इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब क्या, जैसे मान लो हमारा रोड ही है और मान लो रोड कुछ ऐसे का रियल फॉर्म में है और ये बॉडी भी मूव विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, मोशन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। कोई डायरेक्ट मूव ऐसे किया ये भी हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। तो मोशन में क्या होता है कि व्हेन ए मोशन इज अ वन डायमेंशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर वन डायमेंशन फॉर्म में मूव करता है, मोशन करता है, तो दे आर द नोन एज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन ऑफ ए बॉडी में टेक प्लेस इन वन डायमेंशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई द प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड द टाइम टेकन बाई इट, इट इज कॉल्ड पोजिशन टाइम ग्राफ। तो अभी हो गया कि जब मोशन में स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया गया है, यहाँ पे एक ओरिजिनिंग पॉइंट लिया गया है जीरो। अब जीरो से मैंने इक्वल मार्क पर जैसे मान लो 10 मीटर या नेक्स्ट 10 मीटर, नेक्स्ट 10 मीटर, नेक्स्ट 10 मीटर, हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं तो हमारी ये वैल्यू प्लस में हो गया। वही हम ओरिजिन से लेफ्ट मार रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा माइनस में आ गया है, -10, -20, -40, -50, -60। तो यह एक्स डायरेक्शन निगेटिव हो गया, वह क्या हो गया एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर चूँकि टर्म लिखा गया है इन किलोमीटर, तो मान लो कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हमारा गैप है 10 किलोमीटर का है, नेक्स्ट गैप भी 10 किलोमीटर का है, ये भी गैप 10 किलोमीटर का है। तो दैट मीन्स ए बॉडी दे आर द मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन इज कॉल मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कर्वियल मोशन भी बोल सकते हैं, दे आर ए रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। तो द डिस्टेंस मेजर टू बी द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पोजिशन एक्सिस इज द टेकन पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर टू बी द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनिंग इज टेकन निगेटिव। तो आप कह रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, तो जब हम ओरिजिन पॉइंट से जब मूविंग बॉडी का जो मेजरमेंट करेंगे, तो अगर हम ओरिजिन से राइट साइड मूव करेंगे तो हमारा वैल्यू प्लस में होगा, ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। द ओरिजिन फॉर द पोजिशन कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट्स ऑन द पोजिशन एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर द पोजिशन एक्सिस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द शिफ्ट इन द ओरिजिनिंग ऑफ द पोजिशन एक्सिस। तो ये हो गया कि मोशन स्ट्रेट लाइन, मतलब हो गया कि व्हेन ए बॉडी दे आर द मूव इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में हमने बताया था कि हमारा कर्वियल भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। तो अगर कोई भी बॉडी अगर वन डायमेंशन फॉर्म में मूव कर रहा है, वन डायमेंशन मतलब क्या होता है, एक लाइन पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वन लाइन पे मूव कर रहा है तो दे आर द नोन एज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब यह है कि ओरिजिन यूनिट एंड द सेंस ऑफ द पैसेस ऑफ टाइम। तो अब जैसे मान लो हमारा पहला जो फिगर था उसमें हमने डिस्टेंस लिया और मान लो उस गैप को अब हम हावर्स में मेजर कर रहे हैं कि पहले पार्ट को कवर करने में 1 आवर्स का टाइम स्पेंड हुआ, दूसरे पार्ट को भी कवर करने में 1 आवर्स, क्योंकि देखो सब में गैप एक एक घंटे का हमने दिखाया है, 0, 1, 2, 3 यानी हर गैप 3 - 2 करेंगे 1 आवर आएगा, 4 - 3 करेंगे 1 आवर आएगा, 7 - 6 करेंगे तभी 1 आवर आएगा। तो हमारा जो 10 किलोमीटर का जो गैप था उस गैप को कवर करने का हमने टाइम इंटरवल यहाँ पर मेजर किया है कि 1 आवर 1 आवर 1 आवर। ओरिजिन से राइट साइड है तो हमने टाइम पॉजिटिव शो किया है, ओरिजिन से लेफ्ट है तो हमने टाइम क्या किया, निगेटिव शो किए हैं। तो अब इसमें दिया कि द टाइम मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस इज द टेकन पॉजिटिव एंड द टाइम मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज टेकन निगेटिव। सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट, द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। थर्ड इसका पॉइंट है, द नेगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट रीचेस दैट पॉइंट ए टाइम दैट मच बिफोर द ओरिजिनिंग ऑफ द टाइम एक्सिस एंड दैट मीन्स टी इक्वल टू जीरो। अब जैसे मान लो हमको अब कहा जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हाउ मच टाइम टेकन, तो हम इस फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर पहुँचने में
फाइव आवर का टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे टू आवर का, तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हमको कितना लगा, थ्री आवर्स लगा। कैसे आया, फाइव माइनस टू कर दिया। अगर हम थ्री से पॉइंट फाइव पर गए होते तो फाइव माइनस थ्री होता, टू आवर का टाइम होता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो अब इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आता है कि व्हेन ए बॉडी दे आर द इन मोशन, तो जब कोई बॉडी मूव करता है और चेंज द पोजीशन की बात करता है, तो चेंज द पोजीशन के साथ साथ उसके अब कुछ टर्म्स रिलेटेड होते हैं। अब जैसे मान ले कहा जाए ड्यूरिंग द मोशन बॉडी कवर ए डिस्टेंस, डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ड्यूरिंग द मोशन दे आर द कवर ए डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट, कि वह डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। जिसके हमने स्टूडेंट को डिस्कस किया कि अब ये जो हमारा डिस्टेंस जो लिखा गया है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट लिखा गया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर को हमने पहले बताया था कि क्लास में बताया गया, लेकिन फिर यहाँ पे जान लो कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन विच गिवन मैग्नीट्यूड बट नॉट गिवन डायरेक्शन, यानी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड रिजल्ट तो दिया हो लेकिन जब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो दे आर द नोन एज द स्केलर, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो डिस्टेंस हमारा कुछ ऐसा ही है, इसमें हम रिजल्ट तो जान जाते हैं लेकिन इसमें डायरेक्शन सर्टेन नहीं होता है किसकी दिशा क्या है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अनिवेन ए बॉडी दे आर द मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दे आर द कवर डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वह डिस्प्लेसमेंट है दे आर द नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का फेज होता है कि फिजिकल क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड्स गिवन विथ डायरेक्शन। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है तो दे आर द नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने बताया था कि ये बुक आपके चार्ट में दिया था, हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इसमें अंतर होते हैं, डिफरेंस हैं, वह डिफरेंस हमने लिखवाया भी है, मेंशन भी कराया है। दे आर द गिवन फोर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, वो आपके बुक में मेंशंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द सम अदर पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर फर्स्ट मोशन। थैंक यू।